दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त वेस्टइंडीज के दौरे पर है, जहां टीम इंडिया 3 मैचों का वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने अपनी टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर कई बातें कही। बुमराह इस वक्त इंजरी के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। वह NCA के अपने इंजरी पर काम कर रहे हैं और जल्द ही टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने संकेत दिए हैं कि जसप्रीत बुमराह की मैदान पर वापसी तुरंत नहीं होने जा रही है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले वह टीम इंडिया में देखना चाहते हैं। रोहित ने बुमराह की रिकवरी के बारे में कहा कि अभी सब कुछ सकारात्मक लग रहा है। उन्होंने कहा कि वह इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि बुमराह आयरलैंड में T20 सीरीज खेलेंगे या फिर नहीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बुमराह के पास अपार अनुभव है, वह गंभीर इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वह आयरलैंड जाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी टीम का ऐलान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि वह खेल पाते हैं तो अच्छी बात है, हमें उम्मीद है कि वह वर्ल्ड कप से पहले खेले। गंभीर इंजरी के बाद वापसी करने पर मैच फिटनेस, मैच का अनुभव काफी अहम होता है। हम देखेंगे कि क्या योजना है, क्योंकि सब कुछ उनकी रिकवरी पर डिपेंड है। अभी सब सकारात्मक लग रहा है। बुमराह ने मार्च में अपनी पीठ की इंजरी के कारण सर्जरी कराई थी, उसके बाद से वह रिकवरी में जुटे हैं। उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच पिछले साल सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 खेला था। आयरलैंड में सीरीज के बाद भारत को श्रीलंका और पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू सीरीज भी खेलनी है। आयरलैंड सीरीज और एशिया कप नहीं खेलने पर बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेल सकते हैं, जो वर्ल्ड कप से ठीक पहले होनी है। रोहित ने कहा कि हमारी टीम के कई खिलाड़ी चोटिल हैं, लेकिन हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप में कौन खेलेगा और उन्हें पूरा मैच अभ्यास देंगे। हमें 15-20 खिलाड़ियों का पूल बनाना होगा, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी चोटिल हो सकता है। रोहित के इन बयानों से लग रहा है कि वह टीम में हो रही लगातार इंजरी से काफी परेशान है और वह इसे कर आगे का प्लान भी बना रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।